हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया से जुड़े कुछ ऐसे बेहतरीन फैक्ट देखेंगे जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नंबर वन, snapdeal.com नगर। क्यों चौंक गए ना कि ये कैसा नाम है? तो इसकी कहानी सुनिए, बहुत ही मजेदार है। snapdeal.com नगर को पहले शिवनगर कहा जाता था, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। snapdeal कंपनी ने इस गांव में 15 हैंडपंप लगवा दिए थे, जिस वजह से गांव के लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाने की सारी तकलीफें खत्म हो गई थी। snapdeal के इस कार्य से गांव के लोग इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने गाँव का नाम ही snapdeal.com नगर रख दिया। नंबर टू, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। हमारे देश में ट्रेन का नेटवर्क इतना बड़ा है कि करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी है, जो 23 मिलियन से ज्यादा है, उससे ज्यादा लोग भारत में रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। नंबर तीन, 1936 का समय था, बल्कि जर्मनी में ओलंपिक का हॉकी मैच चल रहा था। उस मैच में इंडिया ने जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। इस मैच के बाद हिटलर ने भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को अपने पास बुलाया और बोला, तुम हॉकी तो बहुत बढ़िया खेलते हो, क्यों ना तुम जर्मनी की नागरिकता ले लो और हमारे देश की तरफ से हॉकी खेलो। मैं इसके अलावा तुम्हें जर्मनी के आर्मी में एक अच्छी खासी पोस्ट भी दे दूंगा। लेकिन महान ध्यानचंद ने इस ऑफर को बिना कुछ सोचे समझे ठुकरा दिया था और कहा कि सर, मैं आपकी बातों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मर्जी दम तक अपने देश के लिए हॉकी खेलूंगा। नंबर फोर, मुंबई में एक जबरदस्त बांद्रा वर्ली सीलिंग है। इस सीलिंग को बनाने के लिए वर्करों ने 2,47,00,000 घंटे काम किए थे, जिसके बाद ये सीलिंग बनकर तैयार हुआ था। इस सीलिंग का वजन लगभग 50,000 अफ्रीकन हाथियों जितना है। सीलिंग को बनाने में 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और एक बहुत ही मजेदार बात, इस सीलिंग में इतनी स्टील की वायर इस्तेमाल की गई है, इसमें हम एक बार पूरी धरती को लपेट सकते हैं। नंबर फाइव, इंडिया में ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ खेत में मौजूद कीड़ों को मारने के लिए कोको कोला और पेप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। उनका मानना है कि कोको कोला और पेप्सी कीड़े मारने वाले केमिकल से सस्ता पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि कोको कोला और पेप्सी एक मीठा सिरप है, जिस वजह से बहुत सारी चींटियां खेतों में आती है और जो कीड़े खेत बर्बाद करते हैं उनके अंडे और लार खा लेती है, जिस वजह से खेतों को ज्यादा नुकसान नहीं होता। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है, विश्व युद्ध दो के समय ताजमहल को बम्बू की लकड़ी से पूरी तरह से ढक दिया था, ताकि उस समय आसमान में उड़ रहे बॉम्ब सेलेस प्लेन ताजमहल को तबाह ना कर दे। और बम्बू की लकड़ियों से ताजमहल को ढकने का आइडिया भी काफी अच्छा साबित हुआ था, जिस वजह से आसमान से ताजमहल की लोकेशन क्या है वो पता ही नहीं चलता था। नंबर सेवन, अभी तक केवल 5 कबड्डी वर्ल्ड कप हुए हैं और इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि 5 बार इंडिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। ये उसी तरह है जब एक समय केवल वेस्ट इंडीज की टीम ही क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीता करती थी। इसके अलावा भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी सारे कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। नंबर एट, क्या आपको पता है, केवल भारत ही दुनिया का इकलौता देश था जहाँ डायमंड हीरे पाए जाते थे। कृष्णा नदी के डेल्टा यानी मुहाने पर एकदम ओरिजिनल डायमंड पाए जाते थे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्राजील और उसके बाद अफ्रीका में हीरे पाए जाने लगे, लेकिन शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। नंबर नाइन, क्या कभी अपने मेंढकों की शादी के बारे में सुना है? वाराणसी में मेंढकों की शादी कराने की परंपरा काफी देखी जाती है। ऐसा माना जाता है जब बरसात का मौसम आने पर भी बारिश नहीं होती तो मेंढकों को पकड़कर उनकी शादी कराई जाती है, ताकि बरसात के देवता खुश हो जाए और वो जल्दी से बारिश बरसाना शुरू कर दे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।